स्त्री पुरुष के बीच पारस्परिक आकर्षण सृष्टि का एक अटल सत्य है। ये सृष्टि की रचना ही है जो उस आकर्षण और मिलन पर निर्भर है, और इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि महिला पुरुष का संगम अगर सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार किया जाए तो यह एक बेहद पवित्र घटनाक्रम है। वे लोग जो धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, वो ये जानते हैं कि बिना विवाह के स्त्री पुरुष का संगम निकृष्ट क्रम माना जाता है। हमारा समाज महिला और पुरुष के बीच संबंधों को तभी मान्यता देता है जब वो दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे हों। यूं तो विवाह पश्चात स्त्री पुरुष के बीच संबंध की पूरी तरह शुभ और मान्यताओं के अनुरूप माना जाता है, लेकिन ब्रह्म वेद पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जब पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। तो आइए बताते हैं उन अशुभ दिनों के विषय में जब पति पत्नी के मिलन को निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, वो उनके विवाहित जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी वैवाहिक दंपत्ति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए, और संक्रांति का समय भी पति पत्नी की नजदीकी का समय नहीं है, उस दौरान नजदीक आना उनके लिए हितकार नहीं है। तिथियों की बात करें तो चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी विवाहित दंपत्ति को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार के दिन भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, शारीरिक संबंधों के लिए भी वो समय सही नहीं है। श्रद्धा या प्रतिपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में नहीं सोचना चाहिए, और जिस दिन स्त्री या पुरुष व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के निकट जाना, संभोग करना सही नहीं माना गया है। नवरात्रि के दिनों में भी स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध करार दिया गया है। हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सफल जीवन और निर्धारित खुशियों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है हिंदू परंपरा के अनुसार कार्य किया जाए और करना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।